अब हम तीन ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी ग्रुप प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और उनकी ग्रुप ट्रेंड्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक दी, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स की। ग्रुप वन एलिमेंट्स, इनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विल डिस्कस देयर ग्रुप प्रॉपर्टीज। मैं पहले ही बता चुका हूं वो प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर वो प्रॉपर्टीज जो सारी सिमिलर होंगी। इस ग्रुप वन की हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको ग्रुप प्रॉपर्टीज कहेंगे, और जो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी उनको ग्रुप ट्रेंड्स कहेंगे। ग्रुप ट्रेंड्स की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बल्कि उससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटासियम K। सो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रेंसियम Fr। सो देयर आर सिक्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, लाइक लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम। छह एलिमेंट्स इस ग्रुप वन के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी इनकी क्या है। नंबर वन, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन। एक से मैं इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करता हूं, वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके आखिरी शेल में, सबके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये ग्रुप प्रॉपर्टी है। ग्रुप प्रॉपर्टी इसलिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रेंशियम के भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज अ ग्रुप प्रॉपर्टी। सेकेंड, ऑल लूज वन इलेक्ट्रॉन। एक जो इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में मौजूद होता है, दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। सारे के सारे यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन जो उनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसको लूज करके। तीसरी, सबको ऑल आर कॉल्ड एज एल्कली, कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। सबको एल्कली मेटल्स कहते हैं। वजह क्या है, रीजन, दे फॉर्म और दे रिएक्ट विगरसली और स्ट्रांगली कह सकते हैं विद वॉटर टू फॉर्म एन एल्कली। एल्कली क्या होती है, द कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस आइन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब पानी में डिजॉल्व करें तो वो OH नेगेटिव आइन दे, तो उसे एल्कली कहते हैं। तो सारे ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम गोइंग अप टू फ्रेंशियम, वो पानी से रिएक्ट करते हैं, एल्कली बनाते हैं, एंड एल्कली भी बनाते हैं एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ सोडियम देख लीजिए विद वॉटर, सोडियम सॉलिड H2O एक्वस, सॉरी लिक्विड पानी, जो लिक्विड होगा ये फिजिकल स्टेट्स इनके साथ लिखते जाइए, खुद ही रिएक्ट करेंगे, दे विल मेक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। Since this is in the solution form, so write the aqueous, AQ, plus they release hydrogen. So balance it, 2 and 2. So balance bhi kar dijiye, this is important. So this is the alkali. Why this is alkali? When you dissolve it in water, pani mein dissolve karenge, to ye hydroxyl ion minus aur sodium ion banayegi. Is wajah se ise alkali kahenge. This is alkali.
So this is another property. Now the fourth property they have. Fourth property. All these metals are soft metals. All are soft metals. Soft se murad ye hai, they can be cut with the sharp knife. The knife, like wax. सारी बड़ी सॉफ्ट मेटल होती हैं, इनको बड़े, आप कोई भी नाइफ हो, शार्प रेजर हो, उसके साथ आसानी से आप इनको ऐसे ही कट कर सकते हैं जैसे कि वैक्स को करते हैं. ऑल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. All सारी metals जो हैं they are lighter than water. Their density is less than water. पानी से सब हल्की हैं. So this is the reason all metals they float on the surface of water. On the surface of water. पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं. सो दीज आर सिक्स ग्रुप प्रॉपर्टीज. ग्रुप प्रॉपर्टीज इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं लाइट आखिरी वाला लव्स के दे आर लाइटर देन वाटर, तो दे का मतलब ये है कि सारी ही लाइटर है. ये नहीं कि लिथियम जो है वो लाइटर है और ये लाइटर नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ सिमिलर प्रॉपर्टीज. दी प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर इन ए ग्रुप आर कॉल्ड एज ग्रुप प्रॉपर्टीज. अब हम देखते हैं कि इसी ग्रुप वन की जो मेटल्स हैं इनके ग्रुप रैंक्स क्या हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ग्रेजुअली चेंज करती हैं. ये तो वो थी विच आर सिमिलर. नाउ दोज आर कॉल्ड एज ग्रुप रैंक. ग्रुप रैंक नंबर वन. सबसे पहली बात तो हमने ये की कि मेटल रिएक्ट करती हैं विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड गिव हाइड्रोजन. तो देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब देयर एबिलिटी टू रिएक्ट विद वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जब आप नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ इस ग्रुप के अंदर, तो रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज करेगी. दैट मीन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर लीस्ट, फ्रेंशियम और द सीजियम रिएक्ट्स विद वाटर द मैक्सिमम. फ्रेंशियम रिएक्ट विद वाटर द मैक्सिमम, विद द मैक्सिमम रेट. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड कि क्या वाकई ऐसा होता है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम. इस रिएक्शन में यू नो लाइक अभी मैं बात कर रहा था एक्स मेटल है, इसको वाटर से रिएक्ट करो, लिक्विड विल मेक एल्कली प्लस हाइड्रोजन गैस. तो आप ये करो, ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका वॉल्यूम मेजर करें पर यूनिट टाइम, उसको निकाल लें. दैट वुड बी कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप. क्यों नीचे जाएंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. दैट शोज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स जो है वो इंक्रीज करती है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड ग्रुप ट्रेंड. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप. डिक्रीज डाउन द ग्रुप.
This is another group trend. Third group trend. The size of atom increases down the group. The size of atom increases down the group. The reason the shells keep on increasing. पहले में दो shell हैं, तीन shell, तीन, four, five, six, seven shells इसके अंदर हैं. तो shells बढ़ते जाएंगे तो size भी इनका increase होता जाएगा. तो ये तीन जो हैं वो group trends हैं group one के elements के अंदर. Now, next we will discuss the group seven elements. Group 7 elements. Group 7 ka, the other name for group 7 elements is also the halogens. Why they are called as halogens? Abhi main aapko batata hoon. Now we are talking about this group, group 7th. First element F, Cl, bromine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Five elements. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. AT. इसमें से जो astatine है, this is radioactive. इसलिए इसकी properties को जो है वो discuss नहीं किया जाता. ज़्यादातर हम बात करेंगे fluorine, chlorine, bromine और iodine की. So first we'll take up the group properties. कि कौन कौन सी properties हैं which are similar. That means they are shown by all the elements present in this group. First property. All elements have 7 electrons in the valence shell. All elements have 7 electrons in the valence shell. Definitely, if they belong to group 7, so they must have 7 electrons in the valence shell. First property. Second property. All accept or take one electron to form uninegative ion. सब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर वाई इनका सिंबल है तो विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू मेक यूनी नेगेटिव आइन. एक एनाइन बनाएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव आइन होगा. थर्ड, ऑल आर नॉन मेटल्स. सारी की सारी जो है वो नॉन मेटल्स हैं. नंबर फोर्थ, ऑल एग्जिस्ट. सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं इन डायटॉमिक फॉर्म, डायटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म. लाइक आप फ्लोरीन को एफ नहीं लिखते, एफ टू लिखते हैं. क्लोरीन को सी एल टू एंड सिमिलरली बी आर टू एंड आई टू. सारी डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. देन देयर इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. All are called as halogens. Are called halogens. अब वही बात के why are they called as halogens? सबको halogens क्यों कहते हैं? Halogen is a combination of two words. Halo and gens. Halo means salt. Gens mean producer or maker or manufacturer. Maker. So as the word shows, they are salt makers. All elements in these groups react with metals,
react with metals to make salts, to make compounds called as salt, called as salts. सारी ये जो हैलोजन्स हैं ये नॉर्मली मेटल्स के साथ, ग्रुप वन के साथ, ग्रुप टू के साथ, ग्रुप थ्री के साथ, उनके साथ रिएक्ट करके, लाइक कोई भी मेटल है एक्स, रिएक्ट विद एनी हैलोजन. अगर आप हैलोजन को इसको अगर आप मेटल को वाई से या जी से रिप्रेजेंट करें, दिस इज अ मेटल, हैलोजन को एक्स टू से रिप्रेजेंट करें, जनरल सिंबल फॉर हैलोजन, तो ये आपस में रिएक्ट करके दे विल मेक सॉल्ट. एक कंपाउंड बनेगा विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट, सिंस दे फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड. असल में आपस में ये मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बाइन करके दे मेक आयनिक कंपाउंड. दोज आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज सॉल्ट्स. तो इस वजह से सारे जो है वो मेटल से रिएक्ट करके, मैं एग्जाम्पल भी बोलके आई राइट द एग्जाम्पल, वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव अस NaCl सॉलिड. सो दिस इज अ सॉल्ट, वेरी वेल नोन सॉल्ट. तो इस वजह से दिस इज द रीजन व्हाई देयर नेम इज हैलोजन्स. सबको हैलोजन्स कहते हैं क्योंकि सारी की सारी जो है वो सॉल्ट बनाती हैं. सो दीज आर फ्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप सेवंथ एलिमेंट्स. अब हम बात करते हैं द ग्रुप ट्रेंड, कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स हैं इन दिस ग्रुप. ग्रुप ट्रेंड्स, द फर्स्ट वन, their physical state changes gradually down the group. अगर आप ऊपर से नीचे आए तो इनका physical state change होता है at room temperature के ऊपर, जो इनका physical state है. कैसे? Like F2 and Cl2, these are gases, ये gases हैं. Br2 liquid है, at room temperature की बात कर रहा हूं. I2 iodine solid है. So they show group trend with respect to their physical state के reference से इनका ये group trend है. Second, they show variation in their color. Color, that means the intensity of color increases down the group. Intensity of color increases down the group. आप नीचे जाएं तो इनका कलर जो है इंक्रीज डीप होता चला जाता है व्हेन यू मूव डाउन. लाइक एग्जांपल कैसे जी, फ्लोरीन का कलर जो है ग्रीनिश येलो है, क्लोरीन को देखें तो दिस इज येलोविश ग्रीन, थोड़ा सा डीप हो गया कलर. ऊपर वाले का ये ग्रीनिश येलो है, इसका येलविश ग्रीन. ब्रोमीन को देखें तो रेडिश ब्राउन. और अगर आप आयोडीन के कलर को देखें तो ब्लैक. ये इनके अपने फिजिकल स्टेट्स में कलर की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर गैसीय स्टेट में है फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो ग्रीनिश येलो, येलविश ग्रीन. ब्रोमीन अपने लिक्विड स्टेट में है तो रेडिश ब्राउन. आयोडीन अपने सॉलिड स्टेट में है तो ब्लैक कलर में होता है. सो डाउन द ग्रुप अगर आप चलेंगे तो कलर इंटेंसिटी जो है वो डीपन होती चली जाती है. दिस इज द सेकंड ट्रेंड. देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड ट्रेंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. हमने बात ये की कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके
दे मेक द सॉल्ट्स. अब हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड है. डू दे हैव द सेम रिएक्टिविटीज ऑल द हैलोजन्स और दे डिफरेंट. द थर्ड ट्रेंड, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Decreases down the group. It means fluorine, which is at the top, जो fluorine सबसे ऊपर है, that is essentially most reactive. जो सबसे ऊपर है, most reactive. Iodine, जो सबसे नीचे है, least reactive. और इसी तरह से डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है. क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, आयोडीन इज लेस देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. अब पता कैसे चलेगा कि दे आर लेस रिएक्टिव देन वन अनदर. तो इसके लिए इफ यू पास क्लोरीन गैस थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड या ब्रोमीन का कोई सॉल्ट लीजिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन लें, दिस इज कलरलेस. ऑल सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कलरलेस ऑफ हैलोजन्स. हैलोजन्स के जितने सॉल्ट्स हैं वो पानी के अंदर कलरलेस होते हैं. क्लोरीन हैज, जैसे मैंने बताया है कि इट इज येलोइश ग्रीन गैस, तो येलोइश ग्रीन जो है वो इतना ज्यादा इंटेंस इसका कलर नहीं है. अगर आप इस गैस को इसमें से पास करें, if substitution takes place, तो color change से पता चल जाएगा. Bromine aqueous, पानी में डालें तो ये इसको देना चाहिए color reddish brown. ये once again halogen का salt है, it should be colorless. If this reaction takes place, this reaction is called as substitution reaction, where one halogen has substituted the other. Substitution reaction. अब बात ये हो जाता है या नहीं हो जाता, तो color change से you can observe. There were no color before the reaction. जब आपने chlorine pass नहीं की, sodium bromide colorless solution है, उसमें से किसी तरह से chlorine gas को pass करिए. अगर कलर चेंज हो जाता है, इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन, तो उसका मतलब यह है कि दिस रिएक्शन टुक प्लेस. अगर यह रिएक्शन हो गया है तो वो शो कर रहा है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है. अगर आप अपोजिट रिएक्शन कराना चाहते हैं कि ब्रोमीन एक्वस है, उसको आप डाल दें सोडियम क्लोराइड के कलरलेस सोल्यूशन में. This is solution aqueous. अगर फर्ज कीजिए यह रिएक्शन हो जाता है, suppose this reaction takes place, chlorine is set free, what should be the color change? Since this is reddish brown, ये तो colorless है, this is colorless, ये reddish brown है solution, तो और this is colorless. और ये तो सिंस गैस है तो ये तो वेपोरेट कर जाएगी, इसका कलर इतना काउंट नहीं करेगा. तो इफ द रेडिश ब्राउन कलर चेंजेस टू कलरलेस, यानी ये इसका कलर खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गया. तो रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर आप ये काम करें तो नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व, कोई कलर चेंज आपको नहीं मिलता. अदर वर्ड्स द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, विच मीन्स ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन. तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ वन हैलोजन इज एबल टू सब्स्टिट्यूट आर रिप्लेस अन अदर हैलोजन फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन, अगर उसके एक्वस सोल्यूशन में से एक हैलोजन अपने दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर दे और वो रिप्लेसमेंट कलर चेंज से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकें, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उससे रिएक्टिव है. और अगर इफ डज नॉट टेक प्लेस, अगर ऐसा नहीं होता तो वो उससे रिएक्टिव नहीं है. सो दिस इज द थर्ड ट्रेंड जी.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप 8 एलिमेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे. जैसे कि शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था बिल्कुल इन द बिगिनिंग कि हम सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स की बात करेंगे और उनमें से भी सिर्फ 3 ग्रुप की बात की जाएगी बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सिलेबस में सिर्फ 3 ग्रुप की बात है. थर्ड ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप 8. इनका दूसरा नाम नोबल गैसेस भी है या इनको और जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं. जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं. पीरियोडिक टेबल ये जो आउटलाइन मैंने बनाई हुई है इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं. दिस वन, दिस इज ग्रुप 8. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. आई राइट हियर 6 एलिमेंट्स बनते हैं. हीलियम, नियॉन NE, आर्गॉन AR, क्रिप्टॉन KR, ज़ीनॉन XE, रेडॉन RN. रेडॉन वंस अगेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे. ज्यादातर इन्हीं के बारे में बात होगी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन के रेफरेंसिंग. फर्स्ट वही बात कि जरा देखा जाए कि क्या इनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, विच आर कॉल्ड एज ग्रुप प्रॉपर्टीज. सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इनका नाम भी नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप गैसेस पड़ा हुआ है, वो ये है कि ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जो 6 ऑल एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. लाइक हीलियम को देखें तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रेस्ट जितने भी हैं, बाकी सारी एलिमेंट्स, उनका कोई भी शेल हो, उस शेल के अंदर दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ठीक है, एनी अदर एलिमेंट तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो दिस शोज ऑल एलिमेंट्स हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन एनी लास्ट शेल. चाहे आप नियॉन की बात कर रहे हैं, चाहे आप रेडॉन की बात कर रहे हैं, तो सिंस दे हैव देयर वैलेंस शेल स्टेबल, तो सबका जो है वो स्टेबल है. सेकेंड प्रॉपर्टी, ग्रुप प्रॉपर्टी, दे आर द मोस्ट अनरिएक्टिव एलिमेंट्स. अनरिएक्टिव गैसेस और एलिमेंट्स, दैट मीन इनर्ट एलिमेंट्स. अनरिएक्टिव का मतलब इनर्ट, रिएक्ट नहीं करती. तो रिमेंबर, हम समझें कि शायद ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती, तो ऐसा नहीं है. कुछ एलिमेंट्स लाइक ज़ीनॉन जो है, उसके सम कंपाउंड्स बनते हैं बट अंडर वेरी डिफरेंट कंडीशंस, अंडर वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर वो कंपाउंड्स बनते हैं, बट यूजुअली दे हैव वेरी इनर्ट काइंड ऑफ नेचर, यानी रिएक्ट नहीं करती. तो रिएक्ट ना करने की वजह से दे शो नो वैलेंसी. तो चूंकि इनकी कोई वैलेंसी नहीं है, इस वजह से इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है. एंड सिंस दे बिहेव वेरी नोबली, दैट मीन दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस. दीज आर टू. देन द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल एलिमेंट्स हैव, ऑल हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है. एंड ऑल एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म, एंड ऑल एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. गैशियस फॉर्म,
ये तीन ग्रुप प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की कि क्या इनके अंदर कोई ग्रुप ट्रेंड है भी कि नहीं। जैसे रिएक्टिविटी की बात करें तो वी कांट एक्चुअली टॉक अबाउट देयर रिएक्टिविटी सिंस दे डोंट रिएक्ट, दे नीड नॉट टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, तो रिएक्टिविटी की बात तो हम कर नहीं सकते। तो फिर कौन सा ग्रुप ट्रेंड इनके अंदर होता है या हो सकता है? दैट इज ओनली वन ग्रुप ट्रेंड विच इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Their melting and boiling point increases down the group. Their melting and boiling point increase down the group. Understandably, down the group. Wajah, the reason. Their size increases down the group. Because of their size increases down the group. Size inka niche ki taraf badhta hai, to is wajah se inka melting and boiling point bhi increase ho jata hai. Aakhir mein thode se uses ki baat kar lein noble gases ke uses. Although lagta hai ke very unreactive hai, inert hai, to there would be no use of them. लेकिन दो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, लाइक हीलियम की अगर आप बात करें तो हीलियम इज यूज्ड इन लाइट वेदर बेलून्स, मतलब जो वेदर बेलून्स हैं उनके अंदर हीलियम को फिल किया जाता है इन वेदर बेलून्स। वजह इसकी ये है कि दिस इज द लाइट एलिमेंट, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, लेकिन हाइड्रोजन की एक प्रॉब्लम ये है कि वो इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी उसको आग लग जाती है, तो दैट इज द रीजन हीलियम इज यूज्ड इन वेदर बलून बीइंग द लाइटेस्ट। देन हाइड्रोजन से कम है, बाकी सबसे कम लाइटेस्ट है, लेकिन हाइड्रोजन से थोड़ी सी हैवियर है। नियॉन का यूज ज्यादातर इन नियॉन साइंस के अंदर, जो दुकानों के ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें बेसिकली नियॉन इज यूज्ड, बल्कि सारी एलिमेंट्स ये जो हैं ये गैसेस यूज हो सकती हैं टू प्रोवाइड द इनर्ट बिहेवियर, जहां पे आप चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट ना करे तो यूज किया जा सकता है, नियॉन को उसके लिए यूज किया जाता है। आर्गॉन का यूज जो है ये इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जहां और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं स्टील के अंदर, तो आर्गॉन को भी यूज किया जाता है। सो ये कुछ यूजेस भी हमें जो है वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के पता होने चाहिए।